वीडियो को सबसे पहले आंखें बंद करके लाइक कर दो, आंखें बंद करके वैसे भी लाइक कर दो, जो पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो बाइक के ऊपर वो सारा कुछ दिखाएंगे। एंड मींस ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा है, बट ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी। पुरी भाई ये वाइजर कितने का है? मडगार्ड एक्सटेंडर एंड ये मॉडिफाई करा हुआ। इसका फायदा ये है कि मडगार्ड का जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज करी जाती है। तो कैसे हो मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थंबनेल आपने देख ली है, ये वीडियो आप सब भाई लोगों की रिक्वेस्ट पे बन रहा है। और हाँ, ये चीज़ थी, सीरीज चल रही है तो भाई ये वीडियो तो बनना ही है। थंबनेल में भाई आपने देख लिया, वे रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड एक्सेसरीज क्या क्या लगा सकते हो वो वीडियो तैयार हो रहा है। अरे पुनीत भैया किधर हो, बहुत टाइम लगा दिया यार आज तो। हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुनीत भाई, भाइयों के लिए तोहफा पेश किया जाए, रॉयल इनफील्ड लवर्स के लिए, इंटरसेप्टर लवर्स के लिए बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे तो आज जो है आपके सामने लेकर आए हैं। ये देखो, ये सामने खड़ी है बाइक पूर्ण, और ये सारी एक्सेसरीज हैं उसकी, और बहुत सारे पार्ट्स वगैरह जो है बाइक में ऑलरेडी लगे हुए, मॉडिफाई हुई है। और जिस भाई की बाइक है, थैंक यू सो मच, पार्ट ऑफ द फैमिली हैं एंड दिल खुश हो गया मेरा। और जो पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो बाइक के ऊपर वो सारा कुछ दिखाएंगे। एंड मींस ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो करना क्या है, वीडियो को सबसे पहले आंखें बंद करके लाइक कर दो, आंखें बंद करके वैसे भी लाइक कर दो, ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा, शेयर कर दो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के अंदर। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो नीचे लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टा ऐप आईडी नीचे आ रही है, फॉलो कर लो, बहुत सारी अपडेट्स वहीं पर शेयर करता हूँ, इसकी भी अपडेट कर दिए शेयर। तो पुनीत भाई, हाँ जी, अरे शुरू करें, बहुत भाई बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे में से कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, सीधी सी बात है। ये लो स्टार्ट करें, चलो। अरे आप पीछे पीछे आज, तो हम एक काम करते हैं, बाइक को दिखाना शुरू करें सबसे पहले क्या क्या काम हुआ है, एंड यही होगा बेनिफिशियल भाई लोगों के लिए। बिल्कुल, तो बताया जाएगा क्या क्या आप मॉडिफाई कर सकते हो। एक काम करते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखो आप, ये लगा हुआ है इसमें मडगार्ड एक्सटेंडर। ये देखो, ये चीज मैंने पहली बारी देख रहा हूँ, मडगार्ड एक्सटेंडर एंड ये मॉडिफाई करा हुआ। इसका फायदा ये है कि मडगार्ड का जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज करी जाती है, एक इंच के अराउंड। तो पुनीत भाई, ये जो है ये चार मेरे ख्याल आते हैं, क्योंकि ये चार हैं, चार पीस हैं, तो कितने का होगा ये? ये 550 का सेट ऑफ फोर। 550 का सेट ऑफ फोर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसके साथ एक और मैंने चीज सुनी है, यहाँ पे फॉग लाइटें वगैरह भी लग सकती है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये फॉग लैम्प का क्लैंप है, हिमालयन में भी लगती है, तो इसमें भी ऑप्शन यही सेम चीज है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप फॉग लाइट लगा सकते हो, ऑप्शन दिखाएंगे फॉग लाइट कौन सी वाली है, देन बेस्ट ऑप्शन। ये पुनीत भाई कितने का पेयर आएगा? 750 का पेयर है। हेडलाइट पे आते हैं पुनीत भाई, क्या मस्त हेडलाइट है यार, और इंडिकेटर साथ में। ये नया मॉडल है, हार्ले का JW स्पीकर मॉडल आता है, ओके, उसके बेस पे लाइट बनी हुई है। और इसकी खासियत है, एक तो इसकी 1 ईयर की वारंटी है, जो कि मेरे अपने ब्रांड में है, ओके, और इसकी जो वोल्टेज है वो है 110 वॉट प्रॉपर। ऑलराइट, हाँ, और इसके अंदर जो चिप डली है वो उस रैम की चिप डली हुई है। एक बार लाइट को ऑन करना जरा, दिखाना जरा, ओह सही है सही, हाई बीम लो बीम। ऑलराइट, तो लाइटें इसलिए दिख रही होगी क्योंकि हैजर्ड सिस्टम ऑन है, तो इसलिए आपको फ्लैशर भी बीच में दिख रहा होगा लाइट के, तो बहुत सही चीज है। पुरी भाई, ये हैजर्ड सिस्टम लगाया हुआ हमने, हैजर्ड सिस्टम लगाया हुआ विद इंडिकेटर बल्ब। तो ये हैजर्ड सिस्टम कितने का है? ये इंडिकेटर बल्ब के साथ इसकी कॉस्टिंग है 1600 रुपए का हैजर्ड सिस्टम, प्लग एंड प्ले है और विद बल्ब वगैरह 1600 रुपए का। और ये जो हेडलाइट है पुनीत भाई, ये कितने की है? इसकी हेडलाइट की कॉस्ट है 4000 रुपीज। 4000 रुपीज की हेडलाइट की कॉस्टिंग है। इसके अंदर मेरे पास दो मॉडल और है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये चीज मेरे को एक अलग दिखी, ये वाइजर जो है एंड मिरर जो जिसको बोलो स्पीडोमीटर वाइजर या हेडलाइट के ऊपर, वैसे यूजली रॉयल एनफील्ड का आता है, बट ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी। पुरी भाई, ये वाइजर कितने का है? इसकी कॉस्टिंग हमने रखी है 600 रुपीज। 600 का है ये वाइजर, देख लो, ये पूरी फिटिंग के साथ है, पूरा लगा हुआ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आते हैं, ये है आपका ऑयल कैप, एंड अपनी भाई कितने की है ये? इसकी कॉस्टिंग है 200 रुपीज ओनली, 200 रुपए की, बहुत बढ़िया। ये मिरर लगे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ, ये CNC मिरर्स हैं, ये इधर भी लगा हुआ है, CNC एंटी ग्लेयर मिरर है, मैं उधर से दिखाता हूँ। और ये आपका,
लिवर प्रोटेक्टर है विद कार्बन फिनिशिंग के साथ। ये देखो कैसी बहुत मस्त है, बहुत सारे वीडियोस में हमने दिखाया भी है। पुरी भाई ये कितने का है? इसकी कॉस्टिंग है 650 रुपीज़। 650। अब देख लीजिए ये है जो आपका मिरर की एंटी ग्लेयर है, तो रात में इसका फायदा होता है कि जो रोशनी है रात का और दिन दोनों फायदा है। धूप से आपकी आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगी, लाइट से भी नहीं पड़ेगी, लाइट से। और दूसरा रात को जो हाई बीम पे लोग चलाते हैं उसका भी इसमें फायदा है। पूरी भाई कितने की है? 1250। हाँ, और इसके अंदर कलर ऑप्शंस ब्लैक सिल्वर सारे कलर्स है इसके। ऑल राइट, एक ये चीज दिख रही है मेरे को नई वाली, पहली बार देख रहा हूँ ये वॉच। ये वॉच है, ये हमारी बहुत राइडर्स की एक डिमांड थी कि हमें वॉच चाहिए चलते हुए, हम राइड करते हुए, ताकि हमें टाइम का सारी चीजों का वो मालूम रहे। इसकी कॉस्टिंग 400। पुनीत भाई मैं देख रहा हूँ कि हैंडल थोड़ा सा ऊपर उछा हुआ है, तो इसमें हमने राइजर लगाया हुआ है क्या बाइक में? एग्जैक्टली, ये देख सकते हैं हैंडल राइजर इसमें लगे हुए हैं। ऑल राइट, तो ये हैंडल की हाइट थोड़ा सा, एक्चुअली इंटरसेप्टर वालों की ये कंप्लेंट आती है कि राइडिंग पोस्चर थोड़ा ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए हमने ये लॉन्च करे हैं। तो ये राइजर कितने का, ये दोनों पेयर जो है राइजर का कितने का पेयर है? 550 का पेयर है। 550 का पेयर है। अब आते हैं ये मोबाइल होल्डर के ऊपर, ये चार्जिंग वाला का विदाउट चार्जिंग? विदाउट चार्जिंग है, मेटल बॉडी के अंदर है ये और हाइड्रोलिक बेस पे काम करता है। बहुत ही सुपर क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है ये। बहुत बड़ा, कितने का पुनीत भाई ये वाला? इसकी कॉस्टिंग 650। 650, ओके। एक मेरे को ये स्विच दिख रहा है ये पुनीत भाई, ये जो है मेटल वाला। हाँ, ये मेटल स्विच है, देखो जैसे ही हम ऑन करेंगे इसमें एलईडी जलेगी। ओह, लाइट ऑन करी तो वैसे ही है। वैसे एक चीज है, लाइट की थ्रो भी बहुत जबरदस्त है। बहुत सही है यार, बहुत सही है। स्विच की कॉस्टिंग? इसकी 350 कॉस्टिंग। 350 कॉस्टिंग है, ओके। बाकी तो देख लो कैसे लुक्स आ रही हैं, बहुत बड़ी। ये रेडिएटर ग्रिल? यस एग्जैक्टली, रेडिएटर ग्रिल है, 304 ग्रेड के अंदर है एसएस की। कितने की है प्रिंस भाई ये वाली? इसकी कॉस्टिंग हमने रखी है 600 रुपीज ओनली। ओके, इसमें डिजाइन भी होंगे कुछ? और डिजाइन के अंदर एक दो वेरिएंट और है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। ओके, और ये है आपका लेग गार्ड जिसको बोलते हैं क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड है ये। राइट, इसमें वैसे पूरी भी डिजाइन भी होते हैं कि ये सिंगल डिजाइन है? वैसे मैंने डिजाइन अभी और आने वाले हैं, फिलहाल हमारे पास रेडी स्टॉक में ये है। और इसके अंदर खासियत है कि आप विद स्लाइडर भी लगा सकते हैं, विदाउट स्लाइडर जैसे आप देख रहे हो वैसा भी रहेगा ये। हाँ, मेरे ख्याल शायद हमने विद स्लाइडर भी लगाया किसी को साइड में, यहाँ पर हमने इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि ये दोनों लुक जो है देख सके। कितने का ये? इसकी कॉस्टिंग है 1800 रुपीज। 1800। तो ये है, ये विदाउट स्लाइडर का रेट है? विदाउट स्लाइडर का रेट है, स्लाइडर की कॉस्टिंग अलग से है, 600 रुपीज उसमें कॉस्टिंग ऐड हो जाएगी। सो अगर मैं इंजन की तरफ आता हूँ, तो ये जो है गार्ड है EFI वाला, तो पुनीत भाई ये मैंने सुना है कि ये कब आएगा इसका लेटेस्ट वाला? इसका R&D हो चुकी है पूरी, इस पे काम चल रहा है, जल्दी इसके कवर भी आपके आगे लेकर आऊंगा मैं। एक ये वाला हो गया, देन एक ये वाला हो गया, इसके ऊपर इधर भी शायद बन रहा है, कैप का भी हो चुका है काम। बहुत जल्दी एक अपग्रेड वीडियो जब बनाएंगे उसमें आपको मैं ये सारे पार्ट्स और यहाँ तक की इसका भी कवर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो वो चीजें पेंडिंग है, वो आएंगी जरूर अपडेटेड वीडियो में। पुनीत भाई ये जो फुटरेस्ट है ये स्पेशल वाला लग रहा है? ये प्रॉपर 304 ग्रेड SS के अंदर हमने बनवाया हुआ है। इसकी खासियत ये है कि कोई भी इसमें पैर रखेगा तो साइलेंसर से उसका मतलब पैर और कुछ भी जूते वूते जलेंगे नहीं। तो ये पेयर कितने का है? ये पेयर है, इसकी कॉस्टिंग आएगी 1400 पेयर। 1400 का पेयर। और भाई साहब इसका वेट बहुत जबरदस्त, ये लो इसकी वाश, क्या जबरदस्त वैरायटी है यार। इसके आप वेट देख सकते हो कितना मोटा है ये। सही है पुनीत भाई, बहुत जबरदस्त। इसके अंदर एक क्वालिटी और है 800 रुपीज की, वो छोटे साइज के अंदर है। अच्छा, नॉर्मली जो आती स्टॉक सीट आप लोगों को पता है उसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी है और वो थोड़ी सी पतली होती है, ये थोड़ी सी ब्रॉड करी गई ताकि जो पीछे बैठे पिलियन उसके लिए भी बहुत बढ़िया रहे और आगे भी थोड़ी सी कुशनी वगैरह एंड थोड़ा सा ये देखो कर्वी लुक दी गई है। तो अपनी ये वाली जो सीट है ये कितने की है? इसकी कॉस्टिंग है 2650। और आप देख लो उधर थोड़े से डिज़ाइन और रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एंड ये जो बैक रेस्ट है ये वाली? ये बैक रेस्ट उसकी कॉस्टिंग है 1000। ये देख लीजिए कैसी है, इसमें भी डिज़ाइन काफ़ी हैं, रैक वगैरह वाले जो हैं। करियर वाला है, इसमें दो मॉडल और है, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं अब इधर आते हैं, अब देखो जरा ये है जलवा, ये है बैक लाइट, ये देखो सही काम, ये देखो बैकलाइट कैसी लग रही है। सो पुनीत भाई ये जो बैकलाइट है ये कितने की है? इसकी कॉस्टिंग हमने रखी है 1500 रुपीज़। 1500।
एंड ये एक्चुअली ये पूरी तरह से फिट करी हुई है, इसकी पूरी प्लेट आती है, तो जिसको जरूरत जैसे हो वैसे ही फिट कर सकता है, प्लेट आपको मिल जाएगी और इसके अंदर आप देख सकते हो इंडिकेटर के अंदर भी इसमें एलईडी दी हुई है, जब लेफ्ट राइट होगा तो इसमें अंदर एम्बर कलर चल रहा है लाइट, वाह वो दिख रहा है, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर सब कुछ सब कुछ वन इन ऑल है। इसके अंदर एक वेरिएंट और है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो ये एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जॉस्ट का वीडियो अलग आने वाला है, तो ये साउंड वगैरह जो है एग्जॉस्ट की आप उसमें सुन लेना। एंड इधर से देख लो जो मैं बोल रहा था, ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये देखो ये लगा के दिखाया हुआ है आपको, और बाकी लुक्स वगैरह देख लो, मैंने कुछ मिस नहीं किया। इस बाइक में एक कुछ और भी लगा हुआ है, ये देखो, यस ये है साइड स्टैंड जैकेट, ये देखो नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। सो पुनीत भाई ये स्टेनलेस स्टील में, हाँ 304 ग्रेड SS प्योर प्योर, एक बार ये देख लो एंड सही है कैसा है मैं दिखा रहा हूँ। पुनीत भाई क्या कॉस्टिंग है इसकी? इसकी कॉस्टिंग 650 का है। तो अब बाइक का तो सारा कुछ दिखा दिया हमने, कैसा वॉक अराउंड है, क्या क्या लगा हुआ है एंड ऑल, तो अब शुरुआत करते हैं इसके ऊपर, तो और बताते हैं कौन कौन सी पार्ट्स हैं, कितने कितने के एंड ऑल। तो भाई अल्टीमेट वीडियो होने वाला है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। पुरी भाई ये जो लाइटें हैं, हाँ जी एक ये लाइट है, दूसरा डिजाइन है, ये भी 110 वॉट के अंदर 1 ईयर वारंटी के साथ है, जैसा वो था बिल्कुल सेम, उसकी भाई बहन कह लो, हाँ जी सिर्फ आर्टिकल की डिजाइनिंग फर्क है, वॉटेज सेम है ना, वॉट इज सेम है। तो प्राइसिंग क्या है? 4200 रुपीज। ये इसकी भी प्राइस है 4200 रुपीज, और वो उसका कलर चेंज है सिर्फ। हाँ ये वही सेम जो लगा हुआ ब्लैक में, ये क्रोम के अंदर है, प्राइसिंग सेम है। अब आते हैं यहाँ पे, ये है आपकी हेडलाइट ग्रिल, हेडलाइट ग्रिल है, ये भी 304 स्टेनलेस स्टील के अंदर है। ओके ये कितने की पूरी भाई? 750 750 एक इसके अंदर ब्लैक कलर का ऑप्शन भी है। हाँ ये थोड़ा सा अलग डिजाइनिंग की है, डिजाइन दिया हुआ है लोगों का। तो ये कितने की है? ये भी सेम प्राइस है, सेम प्राइस है। यहाँ पे आते हैं, दिस इज बैश प्लेट, ये बिल्कुल जैसे वो नीचे लगती है ऑयल सम जिसको बोलते हैं, ये बैश प्लेट। प्रीत भाई ये बैश प्लेट कितने की है? ये 950 की है। ये वेट इसका काफी अच्छा है, 950 प्रॉपर फिटिंग मिलेगी आपको। ऑलराइट ये सेम फुटरेस्ट हो गया, ये ग्रिल इसका दूसरा डिजाइन है। ओके ये आपका हो गया मोबाइल चार्जर वगैरह, क्या है ये? मोबाइल चार्जर है, इसमें देखो दो USB और ये सिगरेट लाइटर वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ओके ये कितने का? प्रीमियम क्वालिटी का 750। ये वाला कुछ, ये वाटरप्रूफ वाला मोबाइल होल्डर है, दो साइज है इसमें, L और XL। ओके ये कितने का? 450। ये दूसरा वाला है, ये अपना मेटल वाला जो आपको दिखाया था, अच्छा 650 वाला। ओके हाँ जी ये फॉग लाइट है 9 LED के अंदर, पहले भी हमने इसको दिखाया हुआ है। हाँ, बहुत अच्छी लाइट है, इसके फोकस थ्रो बहुत अच्छा है। तो ये पेयर कितने का है? 3500 का पेयर है। ओके ये साइड मिरर जो हैंडल के बिल्कुल कोने में लगते हैं ये वाले मिरर, हाँ जी इसके अंदर ओवल भी है, राउंड भी है और एक ट्रायंगल शेप में आता है, इसकी कॉस्टिंग 350। ओके और ये जो मिरर है ये 1250 का है, ये सेम वही वाला जो लगा हुआ है हमारे। अब यहाँ पे आते हैं पुनीत भाई, ये घड़ियाँ सी दिख रही है मेरे को, एक ये वॉच है जो डायरेक्ट हैंडल पे लग जाती है, अब ये देखो सही है। और ये उसका दूसरा वाला डिजाइन हो गया, एक ये दूसरा डिजाइन है इसके साथ, ये फिटिंग दी हुई है। ये कितने की है? ये 450 ईच। 450 पुनीत भाई ये वाले जो लिवर्स हैं, हाँ जी ठीक है, वो वाला कितने का है? वो 750 का है। ये भी 750 का, इसके अंदर तीन कलर है, ब्लैक भी मिल जाएगा, टाइटेनियम और सिल्वर। ओके और ये फोल्डिंग के अंदर 1250 का, इसमें भी तीन कलर ऑप्शन है। ओके ये वाली लाइट होगी आपकी दूसरी वाली? हाँ ये दूसरा मॉडल जो मैं आपको बता रहा था, एक बार इसकी मैं आपको लुक जलाकर दिखाऊंगा। ये कितने की पुनीत भाई? ये भी सेम प्राइस है 1500। ये दो बैक रेस्ट हैं जैसे हमने बताया था, विदाउट सीट कैरियर है, विद सीट कैरियर के अंदर दो मॉडल है। ओके हाँ एक ये वाला मॉडल है जिसकी कॉस्टिंग है 1250, और ये थोड़ा सा बड़ी सीट की बैक से, हाँ बड़ी उसमें 1450 की कॉस्टिंग है। 1450 पूरी भाई ये वाइब्रेशन रॉड? हाँ ये वाइब्रेशन रॉड है, बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर है, और इसकी कॉस्टिंग 450। और ये दूसरी वाली लग रही है? हाँ ये सेम इसी के अंदर है, और इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक वॉच का और एक टेम्परेचर मीटर। ओके तो ये कितने की है ये वाला? ये वाला मॉडल 1250 कॉस्टिंग है। 1250 अब ये मेरे को दिख रही है ग्रिप्स, ये जिसको बोलो कि ग्रिप एंड लीवर रैप। हाँ हाँ ये कितने का पुनीत भाई? इसकी कॉस्टिंग है 550 का पेयर। हाँ जी और ये आप देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है ये बिल्कुल, और ये कलर्स भी दिख रहे हैं, तीन कलर है, टैन डार्क ब्राउन और ब्लैक। इसका बॉडी कवर पुनीत भाई? हाँ ये बॉडी कवर है, पूरा प्रॉपर साइज है, और ये प्रॉपर वाटरप्रूफ है, मतलब इसके अंदर ये नहीं की कोई प्रॉब्लम आएगी। तो कितने का ये? 550 इसकी कॉस्टिंग है। 550 अब ये हैंडल, ये जो तामझाम है, ये एक हैंडल है और एक ये हैंडल नॉर्मल वाला। सो पुनीत भाई ये हैंडल कितने का है? 750 का हैंडल है। अब ये जो आप ये हैंडल का तामझाम देख रहे हो, हिंदी में ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। सो पुनीत भाई ये वाली की कॉस्टिंग क्या पड़ेगी? वाइब्रेशन होल्डर विद मोबाइल होल्डर है, इसकी कॉस्टिंग 900 है। ओके और बाकी ये देख लो कैसे लग रहा है, बिल्कुल फिटिंग वगैरह
राइजर वगैरह फिटिंग्स वगैरह कैसी लग रही हैं, ये लिवर्स हैं और ये विद सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर की तरह है, तो इसके सेट भी आते हैं, आप लगवा सकते हैं। पुलिस भाई कितने का होगा ये? 3800 रुपीस का पेयर है। बहुत बढ़िया। सो ये इंटरसेप्टर की सीटें हैं, ठीक है, ये और ये दो थोड़ी क्लासिक की हैं। और सो पुनीत भाई ये वाली जो सीट है ये कितनी? 2500। ये वाली 26। ये वाली 2650। ये वाली ये 3000 की है। ये 3000, ये वैसे क्लासिक में लगती है, इंटरसेप्टर में लगती है, मगर शो कर रहे हैं के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, बन जाएगी ये, बन जाएगी ये 3000 की है। रेंज देख लो, बहुत बढ़िया है यार, एंड विद जिसको बोलो कि आपको राइडिंग कंफर्ट के लिए हिसाब से आप यूज कर सकते हो। मेरे प्यारे भाइयों, आपके सामने आज पेश करा है रॉयल एनफील्ड वाले भाई लोगों के लिए, मेरे डुगडुग वाले भाई लोगों के लिए एक तोहफा, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज का। क्यों प्रीत भाई? बिल्कुल। एंड कैसा लगा वीडियो यार? अल्टीमेट, इतनी मेहनत करी है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई और आपने नहीं भी देखी होंगी कई ऐसे पार्ट्स जो हमने दिखाए हैं। तो करना क्या, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को आंखें बंद करके सबसे पहले ठोको लाइक, और कर दो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के, और जिन भाई लोगों के पास इंटरसेप्टर है भाई उनको तो जरूर करिए। ऐसी चीज़ें, पॉसिबिलिटी जो है ना भाई, बहुत कम होती हैं। बहुत इसके अंदर मेहनत लगी है, बहुत R&D करी है हमने, तब जाके ये सारा सामान लेकर आया। इतनी वैरायटी कोई नहीं दिखाता एक बाइक के पीछे, साफ बोल रहा हूँ। और अगर आप बोल रहे हो जेडी भाई आपने एग्जॉस्ट की आवाज नहीं सुनाई, तो मेरे प्यारे भाइयों वेट मत करो, आ रहा है वीडियो नेक्स्ट वीडियो एग्जॉस्ट पे आ रहा है, एग्जॉस्ट का वीडियो आ रहा है और मस्त वाला वीडियो होगा, साफ बोल रहा हूँ। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो नीचे लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा फॉलो करो, नीचे ID आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं एक नए जलवेदार धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। God bless you all guys, keep loving and supporting me, take care, bye bye.